सरकार की ओर से गरीबों को निजी अस्पताल में भी निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का दुरुपयोग सरेआम किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला हिंडोन से सामने आया है, जहां भगवान महावीर अस्पताल ने एक युवक के ऑपरेशन के नाम पर 25,000 रुपए तो हड़प लिए, तो दूसरी ओर से युवक के बुजुर्ग पिता के भामाशाह दस्तावेज लेकर बिना ऑपरेशन के भामाशाह योजना से 7,000 रुपए का भुगतान उठा लिया। इस मामले में पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने मामले की जांच कर अस्पताल संचालक और अन्य दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए थे, पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम हरिचरण है साहब, मैं सोमला का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा को पेट में तकलीफ ही, पेट में दर्द था, जो मैं लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल हिंडोन में आया था, पर मेरे लिए गुड्डी मिल जाती है। मेरी बच्ची भी थी वहाँ पर मेरे बच्चे के साथ में, पर गुड्डी ने मुझे बहला फुसला कर और कि तेरा इलाज मैं तेरे बच्चे का इलाज सही ढंग से करवा दूंगी, तेरे बच्चे का इलाज हमने साहब बहला फुसला के दम दड़ा के दे करके और भगवान महावीर हॉस्पिटल में जाकर पहुंचा दिए। और हमारे फिर डॉक्टर थे, डॉक्टर ने 25,000 रुपये मांगे थे कि तेरा ऑपरेशन, मैं बच्चे का ऑपरेशन करवा दूंगा, कर दूंगा मैं। और फिर गुड्डी ने फिर वो 25,000 रुपये के ठीक है बाबा, मेरी गारंटी है, तू चिंता मत करे। डॉक्टर ने कही कि गारंटी है, कोई तरह का दुख होगा वो मेरी गारंटी है, तेरे बच्चे के लिए मैं पूरा ट्रीटमेंट इलाज करूँगा, ऑपरेशन होगा। उसके बाद में फिर मैं मुँह से डॉक्टर बोलो पीछे के लाला बाबा तेरे ढंगारी कोई 2 रुपये किलो को अनाज का कार्ड है का? मैंने बोला साहब मेरे पास तो है, मेरे बच्चे के पास का भामाशाह है, मैं 2 रुपये किलो गेहूँ नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो बाबा तेरा गेहूँ मिलता है तो ठीक है, तेरा भामाशाह ले आना। तैर मैं मेरा भामाशाह घर जा कर के गया, फिर भामाशाह आधार कार्ड लेकर आया। उसके बाद में फिर मुझसे बोली कि बाबा, बोते कही कि बाबा इन्हें घा दे आधार कार्ड, और इन्हें जो भामाशाह आधार कार्ड घा दिए, फिर उसने मेरे लिए उमरियासी लगवाई और मेरे फोटो सो लियो।